गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको अष्टम पाठ जो लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था संसार सागरस्य नायकः, उसका हिंदी ट्रांसलेट कराई थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हिंदी ट्रांसलेट कंप्लीट कर ली होगी और नोटबुक में वर्क कर लिया होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से रीड करना और वीडियो देखना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज मैं कराने जा रही हूँ शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज। देखिए, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट विदाउट वर्ड मीनिंग्स के करना मुश्किल होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को वर्ड मीनिंग्स आना चाहिए। इसलिए हम वर्ड मीनिंग्स कराते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स लर्न होंगे तो हिंदी ट्रांसलेट इजीली कर लोगे। सहसेव यानी कि सहसा प्लस एब का संधि विच्छेद होता है, इसका अर्थ है अकस्मात यानी कि अचानक। सहसेव अकस्मात अचानक, प्रगटीभूता प्रकट हुए दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागह तालाब, निर्मा प्रयत्रणाम बनवाने वाले और निर्मात्रणाम बनाने वालों को की, एककम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रम हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई, अस्मात पूर्वम इससे पहले, माप्यतुम मापने नापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न किया, बहुप्रतिथा बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण, निर्मियंते इसमें बनाए जाते थे, निर्मात्रः बनाने वाले, गजधर गज यानी कि लंबाई चौड़ाई गहराई और मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाले व्यक्ति गजधर कहलाते हैं। गज मंत्र होता है लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़, धर्म इस होता धारण करने वाले व्यक्ति। तड़ाग निर्मात्रणाम तालाब बनाने वाले, त्रिहस्त परिमाणिकम तीन हाथ के नाप की, लोहिष्टम लोहे की छड़, समाद्रता आदर को प्राप्त, समाद्रता आदर को प्राप्त या सम्मान को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाले, वास्तुकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो भवन आदि का निर्माण करते हैं उनको वास्तुकार कहते हैं, काममम चाहे भले ही, निवालयंती स्म निभाते थे, आद्रतानी आधारित, आंकलयंती स्म अनुमान करते थे, उपकरण संभारण साधन सामग्री को, संग्रहंती स्म संग्रह करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचंते स्म मीन्स कहता है मांगते थे, याचंते इसमें याच मीन्स होता है मांगना, मांगते थे याचंती इसमें, अतिरिच्य मीन्स होता है अतिरिक्त, अतिरिच्य मीन्स कहता है अतिरिक्त मतलब इसके अलावा अतिरिक्त, तो क्या कहलाते हैं अतिरिच्य। याचंते इसमें है मांगते थे अतिरिच्य अतिरिक्त। तो बच्चों, ये शब्दार्थ हुए, इन आपकी बुक में दे ही रखे हैं, इनको अच्छी तरह से शब्द और अर्थ लिखना है, संस्कृत शब्द और अर्थ लिखना है और लर्न भी होने चाहिए, क्योंकि विदाउट लर्न आप हिंदी ट्रांसलेट करने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है यानी कि वन वर्ड में उत्तर देना है। कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में गजधर
शब्द प्रयोग होता है? किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग होता है? किस राज्य के भाग में होता है? तो क्या आएगा इसका? राजस्थानश। क्या आंसर आएगा इसका? राजस्थानश। तो ये वन वर्ड में देना है, एक पद में देना है, एक शब्द में। तो क्या होगा, कौन सा राज्य है के भाग में होता है? राजस्थानश, राजस्थान में, राजस्थान के राज्य के भाग में होता है। तो कश की जगह क्या जाएगा? राजस्थानश। गज परिमाणम कह धारती। गज परिमाण, गज को नापने वाले को, नापने वाला कौन धारण करता है, कौन होता है, कौन धारण करता है, कौन कहलाता है वो? गजधर। कौन होता है? गजधर। तो गज परिमाणम कह धारती गजधर। कार्य समाप्तो तौ वेतनानि अतिरिच्य। गजधर में किम प्रदेते स्म। कार्य समाप्ति के बाद वेतन आदि के अतिरिक्त गजधरों को क्या प्राप्त होता था, यानी कि बदले में क्या मिलता था, क्या प्राप्त होता था? तो क्या लिखेंगे? सम्मानम। क्या आएगा? सम्मानम। कि कार्य समाप्ति और वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मान भी मिलता था। के शिल्पी रूपे ना समाद्रता भवंती। कौन शिल्पी रूप में समाद्रत होते हैं, मतलब कौन शिल्पकार के रूप में, के शिल्पी रूपेण ना समाद्रता भवंती। कौन शिल्पकार नहीं है समाद्रता भवंती, उनके समान होते हैं, ना होते भी, शिल्पकार ना होते भी उनके समान होते हैं। कौन होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? गजधरहा। क्या आएगा आंसर? गजधरहा। रिपीट कर रही हूँ। कश्य राजस्य भागेशु गजधर शब्द प्रयोजते। तो क्या आएगा आंसर? राजस्थानश्य। गज परिमाणम कह धारयति। तो क्या आएगा? गजधर। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किं प्रदीयते स्म? सम्मानम्। के शिल्पी रूपेण न समाद्रता भवन्ति। तो क्या आएगा? गजधरा। क्या आएगा? गजधराहा। तो बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ और एक पद उत्तर करने हैं, नीटली करना अपनी नोटबुक में, और सब प्रत्येक बच्चे को लर्न भी होना चाहिए। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह से अपनी बुक में पहले रीडिंग करनी है और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, सभी ने देखा होगा कि शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद उनको रीड करके लर्न करना है और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है? और वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो कश्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयोजते। राजस्थानश्य। गज परिमाणम कह धारयति गजधर। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किं प्रदीयते स्म? कार्य समाप्ति के बाद वेतन आदि के अतिरिक्त गजधरों को क्या प्राप्त होता था, क्या मिलता था बदले में? तो सम्मानम्। के शिल्पी रूपेण न समाद्रता भवन्ति? गजधरहा। ठीक है बच्चों, ये सबको याद होना चाहिए और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।